देख रहे हैं प्राइम के न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त खबर तहसील कोस से आ रही है, जहां पर चोरी करते हुए एक अज्ञात व्यक्ति को मोहल्ले वालों ने पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। मौके पर देखिए हमारी। आज कोतवाली के अंतर्गत मोहल्ला भगत सिंह नगर स्थित राम तलैया हनुमान मंदिर पर एक अज्ञात व्यक्ति चोरी के शक में पुजारी हरिशंकर ने पकड़ना चाहा तो उसने चाकू और हथौड़ा पुजारी को मारने के लिए दौड़ा तो पुजारी ने शोर मचाकर मोहल्ले वाले दौड़कर पुजारी के पास आए और चोर को पकड़कर काफ़ी धुनाई करी। धुनाई करने के बाद चोर को कोतवाली लेकर पहुंचे और पुलिस के सुपुत्र किया। पुलिस ने डॉक्टरों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। इसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भूप सिंह कुशवाहा, देशराज, शिवराम, मनोज कल्लू आदि लोगों ने पकड़कर कोतवाली ले जाकर पुलिस को सौंपा। पुजारी हरिशंकर कुशवाहा जी का कहना है कि इसे एक वर्ष पूर्व इस मंदिर पर चोरी हो चुकी है। संवाददाता भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। हरिशंकर जी, आज आपने एक व्यक्ति को पकड़कर कोतवाली लाए, इसका क्या है पूरा मामला? ये साहब 4-5 दिन से बड़ा परेशान हूँ। रात में 11 बजे को, 10 बजे को, 9 बजे आता और आती टाइम पे आया, कोई धमकी देता था। मैंने इससे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, चप्पू आपको हथौड़ा मारने की धमकी। आज बड़ी मुश्किल में हाथ में ऊपर मंदिर पर मिला तो पकड़ने की कोशिश की तो उसने चप्पू हथौड़ा निकाला तो हमने भागे, चिल्लाया तो लोग मोहल्ले के 10-20 लोग इकट्ठे हो गए तो उसको बड़ी मुश्किल में पकड़ा ये हाथ। इससे पहले कभी और नजर आया ये व्यक्ति? ये साहब 4-5 दिन से आ रहा है, परेशान कर रहा है हम। ठीक। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।